जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी मैथ के प्रीवियस ईयर सवालों का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए आप क्लास को पूरा अंत तक देखें। आपको रोज रीजनिंग का भी क्लास मिल रहा है, आप उसको भी जरूर देखें। मैथ का क्लास स्टार्ट हुआ है, आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा क्लास आगे और कंटिन्यू रहेगा। इसलिए जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला सवाल, देखिए। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है, यानी कि चोर जो है वो पुलिस से 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वह क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। यानी आपसे पूछा गया है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी कुल कितनी दूरी तय किया है, ठीक है। देखिए चोर पुलिस का सवाल एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। देखिए इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका कौन है? पुलिस। और इससे 800 मीटर की दूरी पर कौन है? चोर है। 800 मीटर की दूरी पर चोर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया है 800 मीटर। पुलिस का चाल भी दे दिया है। पुलिस का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चोर का भी चाल दे दिया है। चोर का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चोर का चाल कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये निकाल लेंगे कि इस पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो टाइम सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपको दे दिया कितना? 800 मीटर। तो 800 और बटा चाल से डिवाइड कर देंगे तो चाल क्या हो जाएगा? चूंकि चोर और पुलिस एक ही दिशा में जा रहे हैं, चोर आगे है और पुलिस उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो जब एक ही दिशा में हो तो स्पीड क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? घट जाता है। और विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए चोर का चाल कितना? 7 और पुलिस का कितना है? 8। तो इन दोनों का अंतर घटाएंगे कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान में रखिएगा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो यहाँ इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे हम कितना? 5/18। तो ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट हम 18 यहाँ कर देंगे। ये आपका निकल गया क्या? समय, यानी कि चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा लिया गया समय इतना सेकेंड है, ठीक है। कितना सेकेंड है? इतना सेकेंड है। इसको कैंसिल यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको निकालना है कि पुलिस अधिकारी कितनी दूरी तक चला है, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम। तो आपको टाइम पता चल गया, ये निकल गया टाइम, ठीक है। और पुलिस का स्पीड भी दे दिया है ये, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपको दूरी पता चल जाएगा कि पुलिस कितना दूरी तक चला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पीड दे दिया कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये स्पीड हो गया और गुना समय से कर देंगे तो समय कितना है? 800 गुना का 18/5, ठीक है। अब इसको कैंसिल करने में आसानी होगी। देखिए 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब समझ में आया कि इसको हम यहाँ क्यों कैंसिल नहीं किए, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर दिए, इस 8 को 800 से, तो कितना हो जाएगा? 8×8 64, 6400 मीटर दूरी जो है पुलिस अधिकारी तय किया है चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6400 मीटर। आई होप ये सवाल बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अब इस सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है। ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, सवाल को सबसे पहले पढ़िए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक का आप मान लीजिए त्रिज्या 1 R1 रेशियो ले लीजिए, ठीक है। एक का मान लेते हैं त्रिज्या R2, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं त्रिज्या कितना था? 100, इसमें 5% की वृद्धि हुई है। तो अब त्रिज्या यानी कि R2 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 21 बार में, ठीक है। अब आपको त्रिज्या दोनों का पता चल गया, एक का 20 और एक का 21।
तो इन सबसे पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार त्रिज्या 20 का इस्तेमाल करेंगे, एक बार त्रिज्या 21 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्षेत्रफल में कितना का अंतर आया है। तो इसको भी हम रेशियो से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², क्या होता है 4πr², तो इसको एक बार हम मान लेंगे r1, ठीक है, त्रिज्या 1 रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², इसको हम मान लेंगे r2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4π को ऐसे ही रहने देंगे, 4π गुना का r² 1 वाला, तो r² 1 कितना है 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ अनुपात है तो अनुपात लेंगे 4πr² यानी कि r2 कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 4π से ये 4π कैंसिल, बचा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, यानी कि अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कंपेयर आप कर सकते हैं आसानी से कि पहले था क्षेत्रफल 400, अब हो गया 441, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, 41 का वृद्धि हुआ है, ठीक है, 41 का वृद्धि हुआ है, और किस पर 400 पर, तो यहाँ लिखेंगे 400 प्रतिशत में पूछा है, तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 10.25, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 10.25% का क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था और उतना ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आई होप ये भी सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया है वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 कितना है, 450 है, यानी प्रति 10,000 की जनसंख्या पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, 450 जन्म लेते हैं, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 पर 120 है, यानी कि प्रति 10,000 पर कितना मर जाते हैं, 120 मर जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध संवृद्धि दर ज्ञात करें, यानी कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध नेट जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए प्रति 10,000 पर बोला है, तो जनसंख्या कितना है 10,000, इस 10,000 पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, 450 बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। इतना बच्चा कितना लेता है, क्या लेता है, बर्थ लेता है, ठीक है, जन्म इतना बच्चा का होता है, इसमें से 120 बच्चे जो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो 120 बच्चे इसमें से घटा देंगे, ये 120 बच्चे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने बचे, जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ, तो इन दोनों को घटा देंगे तो वो जो जीवित बचे उसकी संख्या निकल जाएगा। देखिए घटा दीजिए 3, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 330 जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। फिर से समझिए कि 10,000 जनसंख्या में 450 जन्म लिए, जिसमें से 120 मर गए, तो जीवित बच्चे कितना है 330, तो 10,000 से जनसंख्या कितना हो गया 330, इसमें और जोड़ देंगे तो 10,330 हो जाएगा जनसंख्या, 10,330। तो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, 330 वृद्धि हुआ है, ठीक है, 330 वृद्धि हुआ है, कितना पर 10,000 पर, तो बटा यहाँ लिखेंगे 10,000, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको कैंसिल कर दिए, 20 से 20, 10 से 10, तो 33/10 आया, यानी कि 3.3%, इतना जो है जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यदि आपको जनसंख्या में वृद्धि पूछता, केवल जनसंख्या में प्रतिशत में नहीं, तो आपका आंसर ये होता 10,330, चूंकि आपसे प्रतिशत में पूछा है तो ये आंसर होगा 3.3%। आई होप क्लियरली ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही बारीकी से मैंने बताया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस सवाल का आंसर करिए। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, वही चोर पुलिस वाला फिर से सवाल। देखिए एक शिफ्ट में 2 सवाल पूछा था चोर पुलिस का, चोर पुलिस का बहुत ही फेवरेट और VVI सवाल है SSC GD का, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक चोर 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ता है, ठीक है, चोर जो है वो कितना मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ता है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ रहा है। 12 सेकेंड दौड़ने के बाद, ठीक है, चोर कितना दौड़ा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दौड़ने के बाद
पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जो है पुलिस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, ये भी सेम सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज है। अब यहाँ पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना दूरी तय किया है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, चोर का चाल आपको दे दिया कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड, और कितना देर तक चला है, 12 सेकेंड तक चला है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ यानी चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड इसका कितना है, 15 है, और कितना देर तक दौड़ा है, 12 सेकेंड तक दौड़ा है। तो ये कितना दूरी तक चल गया होगा, यानी 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 मीटर आएगा। ठीक है, 180 मीटर की दूरी जो है वो चोर तय कर चुका है, उसके बाद पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिसकर्मी उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। तो वह कितनी दूर तक पुलिस दौड़ा है, ये आपसे पूछा है। ये आपका निकल गया क्या, डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ फिगर से समझिए, ये रहा पुलिस और यहाँ आपका रहा चोर, कितना 180 मीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले ये देखिए पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो टाइम निकालना है हमको। तो 180 होगी आपका डिस्टेंस, अपॉन हो जाएगा क्या, स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालना है। देखिए चोर का स्पीड आपको दे दिया कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड, और पुलिस का कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब एक ही दिशा में भागेंगे तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो 20 में 15 घटा देंगे कितना आएगा, 5, यानी 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल गया क्या, समय, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में इतना समय लगेगा। ठीक है, इतना सेकेंड लगेगा। आपसे पूछा है कि चोर को पकड़ने में पुलिस कितना दूरी तय किया है। ठीक है, यानी डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो देखिए पुलिस का स्पीड कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसी का स्पीड लेंगे पुलिस का, क्योंकि पुलिस द्वारा तय किया गया दूरी आपसे पूछा है। तो स्पीड आपको दे दिया कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम आपको दे दिया, टाइम कितना निकल के आया, 180/5। तो 180 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20, अब 4 को 180 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 पर 10, यानी 720 मीटर की दूरी जो है वो पुलिस तय किया है चोर को पकड़ने में। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आया, सबसे पहले हम क्या किए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोर जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है, 12 सेकंड तक भागा, तो समय को 4 से गुना कर देंगे तो दूरी निकल गया, इतना दूरी तक चोर भाग चुका था, यानी कि पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना हो गया, 180 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लिए कि चोर को पकड़ने में पुलिस कितना समय लिया, तो 180/5 समय लिया। ठीक है, अब दूरी निकाल लेंगे, तो आपको पुलिस का चाल दे दिया था 20 मीटर प्रति सेकेंड और समय निकाल लिए थे 180/5, गुना कर दिए तो कितना गया, 720 मीटर, ये इसका सही आंसर होगा। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको इसी तरह के बेहतरीन सवाल मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह का कोई भी आपको YouTube पर सॉल्यूशन नहीं कराएगा इतनी बारीकी से। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब इस सवाल को देखिए, इसका आंसर करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या पूछा है कि एक घंटे में ये जो है 5 कुर्सी पेंट कर सकता है, एक घंटे में ये कितना कुर्सी पेंट करता है, 5 कुर्सी, और बी 3 कुर्सी पेंट कर सकता है, और बी भी एक घंटे में कितना, 3 कुर्सी पेंट कर सकता है। आपसे पूछा गया निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा इन दोनों को। तो देखिए ये जो है एक घंटे में कितना कुर्सी पेंट कर रहा है, 5, और बी भी एक घंटे में कितना कुर्सी पेंट कर रहा है, 3, इन दोनों अगर यदि मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना कुर्सी पेंट कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कैसा, क्योंकि ये एक घंटे में 5 कुर्सी पेंट कर रहा है, बी एक घंटे में 3 कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना कुर्सी पेंट करेंगे, 8, इन लोगों को कितना कुर्सी पेंट करना है, 40 कुर्सी, तो कितना समय लगेगा, 40 कुर्सी पेंट करना है, और दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक घंटे में कितना कुर्सी पेंट कर रहे हैं, 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 घंटे में जो दोनों मिल जाएंगे तो 40 कुर्सी को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। आसान सवाल था, बहुत ही बढ़िया सा, इसको समझना केवल था। अब अगले सवाल पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करेंगे
ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको देखिए ध्यान से पढ़ना है और आराम से इसका आंसर करने का कोशिश करिए, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए कि किस टाइप के सवाल आए थे और किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% लाभ पर बेचा। सोनी जो है वो एक मोबाइल फोन राजू कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 10%। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर आलोक ने इसे सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन जो है इसके लिए कितना चुकाता है, 6270 रुपया में खरीदा, तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, यानी फर्स्ट के लिए क्रय मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सिंपल वन लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मोबाइल का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब शुरू से हम काम करेंगे, सोनी जो है मोबाइल फोन राजू को कितना बेची है, 10% लाभ पर, तो यानी कि एक्स क्रय मूल्य है 10% लाभ पर बेची, यानी 110/100 हो जाएगा, इतना में बेची है। अब आगे बोला है कि राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया, यानी कि इसको कितना में हानि पर बेच दिया, 5%, यानी कि 95% में बेचा हुआ, 5% लॉस के साथ, ठीक है। अब देखिए आलोक जो है अब सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 में बेच दिया होगा, ठीक है, 120। और फाइनल वैल्यू जो आया वो किसका आया, सोहन का आया, क्योंकि सोहन को बेच दिया 20% लाभ पर, और सोहन इसके लिए कितना चुकाया, 6250, तो बराबर कर देंगे कितना, 6270 के बराबर है। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ कैंसिल सबसे पहले कीजिए, 10 से 10 और फिर 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ इसको 11 से इसको हम कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 5 = 55, बचा कितना, 7, तो 11 × 7 = 77, 570 आया। अब फिर से इसको कैंसिल करेंगे, 19 से इसको कैंसिल कर दिए, 19 × 3 = 57, 30 आ जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक। अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको आप 4 से कैंसिल कीजिए, 4 × 3 कितना हो गया, 12, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 5 = 20। अब इस 3 को इस 30 से कैंसिल कर दिए, तो 3 को 30 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान में रखिए ऊपर क्या क्या बचा, इधर क्या क्या बचा उसको देख लीजिए, इधर बचा आपका, बच गया x, ठीक है, ऊपर में x बचा, और नीचे क्या बचा है, नीचे आपका 5 × 100 बचा है, ऊपर में केवल x बचा, ठीक है, ध्यान में रखिए ऊपर में केवल x बचा है, नीचे आपका 5 × 100 यानी कि 500, ठीक है, और बराबर इधर कितना बचा है, 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5000 आ जाएगा। तो ये था मोबाइल का क्रय मूल्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा, बिल्कुल आसान सवाल था, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए यदि आप 2500 रुपया में एक जैकेट खरीद रहे हों और 4500 रुपया में वैसे ही दो जैकेट खरीद रहे हों, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि जैकेट का अंकित मूल्य दे दिया 2500 रुपया, मतलब क्या कि अगर यदि आप एक जैकेट खरीद रहे हैं तो 2500 रुपया लग रहा है, दो जैकेट खरीद रहे हैं तो 4500 रुपया लग रहा है, तो ठीक है, तो आपका डिस्काउंट कितना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि दो जैकेट खरीद रहे हैं और एक जैकेट का मार्क प्राइस कितना है, 2500 रुपया आपको यहाँ दे दिया है, ठीक है, 2500 रुपया है। दो हम खरीद रहे हैं तो दो के जैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस, दो से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 5000 मार्क प्राइस हो जाएगा, ये आपका क्या निकल गया, एमपी मार्क प्राइस। लेकिन आप कितना में खरीद रहे हैं, दो जैकेट ऐसा ही खरीद रहे हैं तो आपको लग रहा है 4500 कि, तो कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो 4500 इसमें से घटा देंगे 5000 में, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 500 का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगर यदि केवल रुपयों में पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपको डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, ठीक है। किस पर डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस कितना है दो जैकेट का, 5000, तो 5000 से इसको डिवाइड कर देंगे और गुना का 100% निकालने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से 10 जीरो कैंसिल, 5 से 10 बार में, तो कितना डिस्काउंट हमको मिल रहा है, 10% का, तो 10% इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के अंत में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, और आप हमसे क्या चाहते हैं ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये सबसे बेहतरीन सवाल है, आज का सबसे बढ़िया सवाल यही इसको माना जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित तीन छूट योजनाओं की घोषणा करता है, यानी कि एक वस्तु पर खरीद पर तीन तरह का छूट देता है। आपसे पूछा कि सबसे अच्छा छूट प्रतिशत कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो योजना ये में देखिए 15% और 18% का दो क्रमागत छूट मिल रहा है, और बी में आपको 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिल रहा है, और सी में 30% का एकल छूट मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि योजना ये में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत ये में कितना मिल रहा है। एक बार आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है तो माइनस का 15%, दूसरी बार भी 18% का मिल रहा है तो माइनस का 18%, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे और 15 × 18 कर देंगे और बटा का नीचे 100, ये जो है एकल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 × 18 कितना हो जाएगा 33, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 33 और प्लस का, इन दोनों को गुना कर दीजिए 18 और गुना का 1500 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 15 × 18 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 18 × 5 = 90, बाकी अथवा 9 18 × 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 270 और डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 2.7 आएगा, कितना आएगा 2.7 आएगा, तो यहाँ 2.7 लिखेंगे। अब देखिए माइनस का 33 और प्लस का 2.7, अब इन दोनों को आपस में घटाइए, ठीक है, कितना आ जाएगा 33 में 2.7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30.3 आएगा, कितना आएगा 30.3%, यानी कि योजना ये का अगर लेते हैं तो इसमें आपको 30.3% का एकल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30.3% का। अब देखिए योजना बी में की तरफ जाते हैं तो कितना हमको डिस्काउंट मिलता है, योजना बी में जाते हैं तो 6 वस्तुएं खरीद पर 2 मुफ्त मिलता है, तो यहाँ गलती आप लोग क्या करेंगे, तो 2 मुफ्त मिल रहा है कितना पर 6 पर, तो 6 यहाँ कर देंगे और प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे, यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लेंगे, लेकिन ये क्या है गलत है, गलती कहाँ है उसको समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में दे रहा है 6 खरीदने पर, तो कितना वस्तुएं उसके पास से जा रहा है, 6 आपको मिल रहा है खरीद रहे हैं और 2 मुफ्त में जा रहा है, तो 8 वस्तुएं आप उससे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 2 का डिस्काउंट मिल रहा है 8 खरीदने पर, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ इसको 100 से गुना कर दीजिए तो डिस्काउंट प्रतिशत निकल जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार में, योजना बी की तरफ जाते हैं तो 25% का हमको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और योजना सी में आपको 30% का एक सिंगल डिस्काउंट मिलता है। सी में कितना मिलता है, योजना सी में आपको मिल रहा है 30% का सिंगल डिस्काउंट। आप देख लीजिए कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, कौन सबसे बेहतरीन डिस्काउंट है। सी में जाइएगा 30%, ए में जाइएगा तो आपको 30.3% और बी में जाइएगा 25%, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमको यहाँ मिल रहा है 30.3%, यानी कि योजना ये में, तो योजना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ पाए होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया है, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस सवाल का आंसर करेंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 392 π cm³ है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं, एक शंकु हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक शंकु बना लिए, यहाँ हम एक शंकु बना लिए, कुछ इस तरह से एक शंकु हम बना लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए शंकु का ऊंचाई आपको दे दिया है कितना है 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कौन सा होता है शंकु का आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है वो हाइट है आपका, ये क्या है हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। कितना दे दिया है, ये आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आयतन आपको यहाँ दे दिया है, तो यहाँ से हम आयतन का फॉर्मूला लगाकर इस शंकु का त्रिज्या निकाल लेंगे, ये होता है त्रिज्या, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है, और इसके बराबर आपको दे दिया है 392 π, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1/3 π, का π हम रहने देंगे
आपको हम यार यहाँ हमको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ हम आर इसको रहने देंगे आर स्क्वायर, और एच हमको दे दिया ऊंचाई कितना है 24 है, तो यहाँ हम 24 इसको गुना कर देंगे और ये हो गया आयतन, और आयतन बराबर आपको दे दिया कितना 392 है ना पाई दिया है, आयतन बराबर कितना है 392 पाई। तो अब यहाँ देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 24 कितना बार में 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 से इस 392 को कैंसिल कर देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 32, बच गया कितना आपका 7, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है त्रिज्या, यानी कि ये वाला निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर निकल गया। आपसे पूछा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो आर आपको पता चल गया, एल चाहिए, एल किसको बोलते हैं ये आपका स्लैंट हाइट जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये होता है एल, तो एल कैसे निकालेंगे देखिए एल कैसे निकालेंगे, तो गौर से आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये आपका यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ ये आपको ऊंचाई है और आपको बेस पता है, तो ये आपको कर्ण नहीं निकाल सकते, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर कर्ण का, यानी कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ऊंचाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस का कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़िए रूट अंडर में कितना आ जाएगा, यानी कि 915, 7 और 4 11, 12, 5 और 1 6, यानी 625, रूट अंडर 625, तो 625 किसका रूट है 25 का, यानी कि एल भी आपका निकल गया कितना ये 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो आंसर पाई में दिया तो पाई को पाई में ही रहने देंगे, ठीक है तो पाई और आर कितना है आर मेरा निकल गया 7 गुना का 7 और एल, एल कितना निकल गया 25 और गुना काम कर देंगे क्या 25, तो गुना कर दीजिए 25 सत्य कितना होता है 175 होता है, 175 पाई इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 175 पाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसमें केवल समझना था बेसिक, इसमें फार्मूला अगर पता है तो सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ये काफी बेहतरीन सवाल है, ठीक है सवाल ये भी काफी दमदार है, इसको देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी के भार का अनुपात दे दिया, ए और बी के भार का अनुपात कितना है 5:3 है, यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी दोनों के भार में 15% की वृद्धि के साथ 92 kg हो जाए तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो आप समझिए, बोला गया है ए और बी के भार का अनुपात दे दिया है 5:3 दे दिया है, ए में जो है ए के भार में 5% की वृद्धि हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ये आपका ए है यहाँ आपका बी है, ए में कितना वृद्धि हो रहा है वृद्धि वाला केवल लेंगे 5%, तो यहाँ हम लिखेंगे ए के सामने 5% और दोनों में कितना वृद्धि हो रहा है 15%, इसको नहीं देखेंगे, इसका हम बिना इस्तेमाल किया इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है दोनों में कुल भार में कितना वृद्धि हो रहा है 5%, यहाँ हम एलिगेशन लगा लेंगे, ठीक है तो आपसे पूछा है कि बी के भार में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो बी के भार में मान लीजिए कि एक्स प्रतिशत का वृद्धि हुआ है और दोनों के भार में जो है वो 15% का वृद्धि हुआ है, तो बीच में लिख देंगे 15%, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए लगा दीजिए यहाँ एलिगेशन, ठीक है इस 15 में 5 को घटाइए तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, अब देखिए अब 15 में 5 घटाएं अब x में इस 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा x-15, ठीक है अब यहाँ आराम से समझिएगा, ठीक है तो ये के सामने कितना आ गया a के सामने आ गया x-15 और b के सामने आ गया 10 और दोनों का रेशियो दे दिया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x-15 और बटा 10, ठीक है और इन दोनों का रेशियो आपको दे दिया है, ए का कितना है 5 तो ए के सामने 5 और बी का कितना है 3 तो बी के सामने 3, अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x-45 और बराबर 10×5 हो जाएगा आपका कितना 50, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, 50 में जुड़ जाएगा तो 95 हो गया, अब x बराबर इसको कैंसिल कर दीजिए 3 से
तो कितना देगा, 3 3 9, 3 1 3, 2 20 हो जाएगा, यानी कि 0.66 आते जाएगा, ठीक है। यानी 31.67% हम कह सकते हैं कि बी के भार में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 31.67%। ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का सही आंसर होगा और ये सबसे बेस्ट तरीका था सॉल्व करने का, ठीक है। और इस सवाल को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, नहीं तो आप बेसिक से जाइएगा तो ये सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह का सवाल आप ऐसे ही सॉल्व करें। अगले सवाल पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती है तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। तो 12 पुरुष या 9 महिलाएं, देखिए यहाँ समझना आपको कि 12 पुरुष यानी कि 12 मेल, पुरुष को मेल लिखते हैं, जितना काम करेंगे उतना ही काम 9 फीमेल यानी 9 महिलाएं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता का हम रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, अनुपात, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ सही कर लेते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 फीमेल। अब यहाँ से इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्यों ऐसा हम लिखें, क्योंकि 12 पुरुष या 9 महिला बोला है, यानी कि जितना देर में 12 पुरुष करेंगे उतना ही देर में 9 महिला करेंगे, यानी कि ये दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 3 9, ठीक है। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना आ जाएगा, रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे मेल अनुपात फीमेल, ठीक है। तो मेल वाला कितना कौन हो जाएगा, 3 उल्टा हो जाएगा, और फीमेल वाला कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया आपका रेशियो, क्या चीज़ का, ये आपका कार्य क्षमता का है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इफिशियंसी का ये रेशियो है। अब यहाँ से सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना, ठीक है। तो कोई एक का इस्तेमाल करेंगे, या तो 12 पुरुष लीजिए या फिर 9 महिला लीजिए, ठीक है, कोई एक का इस्तेमाल करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 12 पुरुष हम लेते हैं तो एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और 12 पुरुष काम करते हैं तो कुल कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 गुना 3, ये कुल कार्य क्षमता है, ठीक है। और 36 दिन में ये काम करते हैं तो 36 से गुना कर देंगे, ये आ गया आपका टोटल वर्क। समझ में आया कैसे निकालें सो, ठीक है। एक पुरुष का कार्य क्षमता 3 है, 12 पुरुष काम को 36 दिन में कर रहे हैं तो 12 पुरुष का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 गुना 3, और 36 दिन में कर रहे हैं तो 36 से गुना कर दिए। अगर यदि आप महिला का इस्तेमाल करके निकालना चाहते हैं तो महिला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, तो वहाँ कार्य क्षमता हो जाएगा कितना, 4, एक महिला का कार्य क्षमता 4 है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुना 4, और गुना 36 कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब देखिए, अब 16 पुरुष और 18 महिलाएं इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, तो 16 पुरुष है, ठीक है, तो एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, ठीक है, एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, तो 16 पुरुष का कितना हो जाएगा कार्य क्षमता, 48 हो जाएगा, 16 पुरुष का 48, 18 महिला है, एक महिला का कार्य क्षमता कितना है, 4, तो 18 का महिला का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 18 6 72, ये हो गया टोटल कार्य क्षमता। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को कितना देर में समाप्त कर देंगे, तो 48 और 72 को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 7 4 11 1 12, 120 आ जाएगा। अब 12 से इसको कैंसिल कर देंगे कितना बार में, 10 बार में, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 5 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18, ऊपर में बचा कितना, 18 और 3, तो 18 3 कितना हो गया, 54 और बटा 5, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पूर्णांक 4 बटा 5, इतना दिन लगेगा इन दोनों को कार्य को समाप्त करने में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, देखते हैं कि इसका कौन सही सही आंसर कर पाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।